हाय गाइज, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो जैसा कि सब बंदे बोल रहे थे कि भाई लो पास फिल्टर वाली वीडियो कब आएगी कब आएगी, जिन बंदों को जल्दी है जल्दी से व्हाट्सएप नंबर उठाओ डिस्क्रिप्शन से और व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि लो पास फिल्टर हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल जिस पीसीबी में मिलेगा वो ये वाली पीसीबी मिलेगी, क्योंकि पीसीबी अभी हमने बनाई नहीं है और जल्दी ही पीसीबी बनके रेडी हो जाएंगी, वैसे ही हम इसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिनको जल्दी है वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो रही बात इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी आप इसके अंदर देख सकते हैं, हमने TL072 वाली आईसी इसके अंदर लगाई है और यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 2200 माइक्रोफैड के, और ये वर्क करेगा 12012, 1 एम्पियर भी बहुत है इसके लिए। और कैपेसिटर गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाले कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर लगे हुए हैं, और जो ये देख रहे हैं आप ये इसके अंदर फिलिप्स के लगे हुए हैं, ठीक है। इधर गाइज हमने इसके अंदर लगाई है रेगुलेटेड आईसी, जिसको रेगुलेटर बोलते हैं, जो कि 7815 और 7915 इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए भी इसके अंदर हमने कनेक्टर लगाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ध्यान से। तो जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि लंबी ना बने। और जिसको चाहिए, जो बंदा सबवूफर यूज कर रहा है, जो बंदा सबवूफर यूज कर रहा है, कोई भी सबवूफर है, उसके लिए ये चीज़ एकदम से बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे स्पीकर यूज कर रहा है तो उसके लिए ये बढ़िया चीज़ नहीं है, उसके लिए आप बेस ट्रेबल का ही यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेस जो होती है वो निकालता है, यानी कि इसके अंदर आप चाहे कोई भी फ्रिक्वेंसी दो तो ये बेस ही निकालेगा, ठीक है गाइज। तो अगर आप सबवूफर यूज कर रहे हैं, जो हमारे मोनो एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं ज़्यादातर उन पे यूज होता है ये, क्योंकि मोनो जो बोर्ड होता है वो स्पेशली सबवूफर को पावर देने के लिए होता है, क्योंकि मोनो जो बोर्ड होता है हमारा वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जैसे एक साइड आपको मोनो चलाना है, सॉरी सबवूफर चलाना है, तो आप मोनो बोर्ड पे इसको अटैच कर सकते हो। रही बात दूसरी स्टीरियो वाली, तो स्टीरियो में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। तो स्टीरियो में जैसे कि आप एक साइड आपको स्पीकर चलाने हैं और एक साइड से सिर्फ बेस और बेस निकालनी है, ठीक है, तो उसमें एक साइड आप इसको अटैच कर दो और दूसरी साइड आप बेस या ट्रेबल को यूज कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई सर्किट आप यूज कर सकते हो कि जो खाली ट्रेबल ट्रेबल निकाले, ठीक है, तो उसको आप एक साइड में स्टीरियो बोर्ड में भी यूज कर सकते हो। लेकिन बात फिल्टर वाली है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेस देगा, तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस आपको सिर्फ सबवूफर पे ही देगा। वूफर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन स्पीकर पे ये ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा। तो गाइज ये थी थोड़ी सी जल्दी जल्दी में वीडियो, और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पोटेंशियोमीटर जो लगा है इसके अंदर हमने एलकोन का यूज़ किया है, जो कि इसकी फिल्टर को कम या ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी साउंड टेस्टिंग वगैरह कैसे, वायरिंग कैसे करनी है वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।